जुल्म अत्याचार और क्रूरता की हद पार करने वाली है सरकार। जब हमेशा गिरगिट के तरह रंग क्यों बदलते, चोरी भी सीना जोरी भी, ये कैसा मुंह में राम बगल में छोरी नहीं हो कम तो थोरम थोरी, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो वोट के लिए हिसाब से जीता हो। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं इलीशा, आप देख रहे हैं IVTV। केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसी बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पप्पू यादव ने केंद्र सरकार को गिरगिट बताया है। उन्होंने कहा है कि ये कैसी सरकार है जो अपना रंग बदलते रहती है। साथ ही साथ उन्होंने नोटबंदी और कोरोना को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, आप इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। जुल्म अत्याचार और क्रूरता की हद पार करने वाली है सरकार। हजारों शहादत, आतंकी तक कहा गया, उग्रवादी तक कहा गया। हर किसानों को एक साल तक हिटलर मुसोलिनी जार से भी ज्यादा क्रूर मजाक किए गए। जो आज क्रूर शासक ने कृषि कानून वापस लिए, यह उस शहादत की जीत है। शायद मोदी जी भूल गए थे पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतिहास को। डर और खौफ ने आज इन्हें मजबूर किया है। जीत का डर, हारने का खौफ, मुंह में राम बगल में छोरी नहीं हो कम तो थोरम थोरी, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो वोट के लिए हिसाब से जीता हो, चलता हो, वोट के हिसाब से काम करता हो। बंगाल में कुछ, असम में कुछ, यूपी में कुछ, यूपी के पूर्वांचल में कुछ, यूपी के उत्तर पश्चिम में कुछ। एक और सवाल, क्या आप हमेशा गिरगिट के तरह रंग क्यों बदलते हैं? चोरी भी सीना जोरी भी, ये कैसा बहादुरी? आप नोटबंदी से लेकर के, GST से लेकर के, कोरोना से लेकर के हमेशा अपने मानवता के लिए आप खतरा बने, इंसानियत के लिए खतरा बनते जाए। और सदन में जब आप ये कहते नहीं बोल रहे थे कि यह कृषि बिल कानून किसानों के हित में है, तो फिर आज किसान के अहित में आपका ये निर्णय क्यों हो? आपको एक साल पहले किसानों के हित की बात समझ में नहीं आई? आज दुनिया का कौन सा ऐसा ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी टीम है कि आपको इन्होंने बताने में सफल हो गए कि नहीं अब वह निर्णय गलत था या निर्णय सही है? इसे समझने की जरूरत है। कोई सफल नहीं हुए, जनता सफल हुई जब वोट का चोट पड़ना शुरू हुआ, तो इनके भीतर पागलपन और कुलबुली शुरू हो गई। इसीलिए जनाब, इसके नियत को समझिए, इसके चाल चरित्र को समझिए, इसके तरीके को समझिए। माफ मत करिएगा इसे, अन्यथा सूद ब्याज सहित ये कभी ना कभी बदला ले लेगा, ये ख्याल रखिए। तो सुना आपने कि पप्पू यादव ने किस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर तीनों कानून को लेकर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया है। किसानों के अदम्य संघर्ष की जोरदार जीत, मुंह के बल गिरी आडवाणी अंबानी की सरकार, लेकिन सचेत रहें, झूठ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए IVTV। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।